नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। साथियों नमस्कार, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जितेंद्र जोनी। साथियों, महेंद्रगढ़ जिले में मंगलवार की देर रात को करीना क्षेत्र के गांव झाड़ली में घरेलू विवाद के चलते साड़े ने जीजा की तेजधार हथियार से वार करके हत्या कर दी। सूचना मिलते ही महेंद्रगढ़ DSP कुशलपाल सिंह व करीना थाना SHO और अन्य पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल से पुलिस ने चाकू, सरिया और डंडा बरामद किए हैं। गांव झाड़ली निवासी संदीप, जो कि सेना का जवान था, उसका अपनी पत्नी मनीषा से विवाद हो गया। इसी के चलते पत्नी ने अपने भाई संदीप निवासी सुहासड़ा को विवाद की जानकारी दी। इसी दौरान संदीप गुस्से में अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी बहन के ससुराल पहुँच गया। संदीप ने अपने जीजा संदीप को तेज धार हथियार से चाकू से गोद कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में करीना थाना की पुलिस टीम ने घरेलू विवाद के चलते तेज धार हथियार से वार कर हत्या करने के मामले में 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने आरोपितों को महेंद्रगढ़ क्षेत्र के सतनाली चौक से पकड़कर गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान संदीप वासी सुहासड़ा, अनूप वासी सुहासड़ा, सुनील वासी मांडी दादरी, अजीत वासी भावड़ी, रेवा रोहित वासी बुडीन, जितिन वासी बुडीन व मनीषा वासी झाड़ली के रूप में हुई है। उसका भाई ने चक्कू मारे और पुलिस वाला ने मारे साथ बदतमीजी की है, उन्हें मारने की धमकी दी है और 10 गुंडा था, वही मार के फरार हो गया। मेरे बच्चे को मार के, जान से मार के, दो बच्चा को कति मारने की कोशिश करी है। आप क्या कार्रवाई कार्रवाई है चाहते हैं जी? मनीषा को अरेस्ट करो। कितना मुलजिम से 10 से उनको सारा गवाज देते हैं और पुलिस वाला है, पुलिस वाला चंद्र प्रकाश, उसको गिरफ्तार करो। तीनों पुलिस वालों को गिरफ्तार करो, तीनों को। उन्हें कुछ दिन पहले मेरे लड़के से 50,000 रुपये मांगे थे ज़मीन खरीदने के लिए। उन्होंने 10 महीना पहले उन्हें प्लॉट लिया है, उन्हें 50,000 रुपये मांगे। मेरा बच्चा बोला आगे मेरे पापा से पूछ ले, मेरे पास तो नहीं है, जब मेरा पापा देता है तो उनसे पूछ ले, मैं बिना घर की इजाज़त इतना नहीं दूंगा। कितने मांगे थे? 50,000 रुपये मांगे उसके ससुर ने, उसके मनीषा ने जबरदस्ती करी। आग भाई मेरे भाई ने प्लॉट लिया है, उसके लिए 50,000 रुपये दे, लड़का देने नहीं पाया। उसने मेरे दूसरे तीसरे दिन आगे हमला कर दिया। घर ने पुलिस समेत पुलिस हाजिर है, पुलिस ने रुपये कहा रखे, पुलिस हाजिर है। क्या नाम है किसका? मनीषा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार है जी। मामलो थोड़ा लड़ीवीरा को अनको राजीनामा पुलिस आ गई। वह बहू फिर फोन करे सब पुलिस कने कि मैं भी ना हो भाई साथ आएगा, डाकू साथ था, छूरा चक्कू के साथ ले रहा सी चक्कू ने बर्माद उठे तो पुलिस कने वो कर दिया। पुलिस ने कोई कोई घर को कोई पड़ोसी भी जाग गया कोई नहीं, और छोरा का चक्कू बैठा दिया सी। जब वो बालक बाज बाज के नो नहीं करा सी, वही चक्कू मार गिरा चक्कुआ कर मर गयो। मैं तो बोले चक्कुआ के ये वार डॉक्टर के बाहर बोटी की बोटी पड़ी सी, बाहर मारे सी ले जाके। 8 आदमी था सेना में थे भारतीय? हाँ, पुलिस साथ थे उनका। ये तो भाई ये घटना मनीष जो थी, मनीषा इसकी संदीप की पत्नी घरवाली, इसके मतलब अरगर संबंध थे किसी और से। ये बार बार कहने पर मान नहीं रही थी इस मामले में, तो मतलब जो पुलिस वाला था चंद्रभान या क्या नाम था उसका उसकी सीन के अंदर कुआं पड़ता था, तो उसके भी संबंध थे। उसका कई बार फोन आता था, तो इस मामले की मास्टरमाइंड यही थी। क्यों बार बार वो जब यहाँ तकरार थोड़ी सी होती तो वहाँ फोन कर देती, अगर मेरे साथ फोन करती अगर मेरा सारा क्यों मारो सो और मेरे क्यों फिल्म रहा सो, या झूठा फोन कान कर लगा मान ले आग लागन सुनाउन खातिर दिखाउन खातिर करती। तो वहाँ कर मैं वो दोनों भाई आया था उड़े मारन खातिर। वो पहले तो पुलिस आई थी 5 बजे, वह 5 बजे आई थी, उन्हें बोले भाई तो शाम होगी, तुम तड़का दे जाइयो।
टावरा ने जब वह मतलब चलिया गया फिर उनको फोन आयो तू आनी पे छी थोड़ी छोड़ दे। हम लेते हैं बोले भाई छी थोड़ी छोड़ दिया हमको ऐरा करा था वह आन छी थोड़ी छोड़ दिया तम तड़का आगे ले जियो। फिर 10 बजे पुलिस आई फिर और उन पुलिस के साथ 6 जना आया से मान लिया अलग गाड़ी लेकिन तो वह यो परलो जो मकान शिव कुमार को ऐसे हाँ कहूँ वीरबानी ने मनीषा ने बिना बताए लाइट बंद कर दी गेट खोल दियो तो वह भीतर बढ़ गया और ये उड़े रोटी राटी खा रहा था मान लो उड़े तो रोटी राटी खा के चलने लग गया वह 10 बजे चलने लगी जान खातर तैयार हुई जब वो संदीप गल गल लिगड़ो है लिगड़ती इतनी देर कम सवान सबको उड़े आज जगदीश नंबरदार का बालना का काट दियो टोल भी था अरुण चक्कू था बड़ा बड़ा और पुल भी चक्कू पर प्रमाण लेगी से परू हाँ और वो उड़ाते गेटी भी काट दी उड़ाते भी काट दिया मतलब उड़े ही मार दिया था वो तो। फिर बाद में शिवकार छुटाने के लिए भाजे थे हाँ कभी उड़े चक्कू मारे थे एक उड़े मारे थे। कितने घायल हैं? हाँ जी क्या घायल हैं? घायल क्या हैं? घायल एक मर गए और 3 घायल थे एक मर गए और 3 घायल थे तो लड़का और पिता से एक लड़का और भाई से एक लड़का और सत्ता और छोरों से। तो क्या मांग करते हो पुलिस से? हाँ जी पुलिस ने कोई कार्रवाई की अब तक? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस मरा तेने फोन करो 4 बार 100 नंबर पर भी करो सारा बाणा भगा लिया पुलिस नहीं आई। पुलिस जाके आई से 4:30 जब की वो निशान मतलब बरसात से मिट गया उड़ बोटा खून का बोटा पड़ा था पूरे धरती में उनकी वीडियो रील लाला मोनू कन से। इसका आपसी मामला था और साधारण तरीके का मामला था। पुलिस ने इसको बड़ा बनाया और उसके मनीषा के परिजन थे वो पूरी प्लान के साथ यहाँ आए हुए थे। उनके साथ 3 पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा कि हम अभी मनीषा को ले जाएंगे तो परिवार वालों ने बोला कि अभी टाइम नहीं है गैर टाइम है सुबह आप लेडीज़ पुलिस या किसी के साथ आना हम भेज दें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात तो इनकी कहा सुनी हुई तो उन्होंने कहा महिला पुलिस यहीं बुला लेते हैं और उन्होंने कहीं फ़ोन किया फ़ोन करते ही गाड़ियों में भर के लोग आ गए और आनन फानन में इन लोगों को चाकू सरिये डंडे से मारना शुरू कर दिया और मृतक संदीप कुमार है वो यहीं पे गिर गया और ये सब पुलिस मौन होके देखते रही। इसका मतलब ये है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। प्रशासन का काम होता है कि समाज का सुधार करे न कि गुंडों का साथ दे। ये घोर निंदनीय घटना है और इसकी सब निंदा करते हैं और हम पुलिस से और प्रशासन से कार्रवाई चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो वो न्यायिक हो न कि गैर जिम्मेदार हो। किन किन लोगों के खिलाफ? ये जाटली गांव में एक अपने फौजी था अपने संदीप भाई वो अपने छुट्टी आ रहा था उसकी घराली का और उसका आपस में का विवाद था तो उनकी कोई 10-91 की कॉल वगैरह भी आई थी। उनके दिन में राजीनामा भी हो गया था फिर शाम को उसके जो साले वगैरह थे 6-7 लड़के आके नहीं वहाँ थाने में आ गए। थाने में आए पर पीछे बोले भाई हमारी बहन को वो पीटेगा भाई हम तो अपनी बहन को लाएंगे हम तो वहाँ नहीं रहने देते। तो मेरे जो 2 मुलाजिम थे अपने एक मुलाजिम था ड्राइवर और एक अपने होमगार्ड था वो वहाँ चले गए गाँव में एक लड़के को लेके एक भाई तेरी बहन को हम दिलवा देंगे कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में जो 6-7 लड़के और जो गाड़ी में थे वो वहीं करीना में ही थे भाई आपको यहीं रहना वो साले वो भी चले गए वहाँ पर और वहाँ जाए पर पीछे आपस में ना तुम तड़ाक हुए पर पीछे मार कुटाई होगी मार कुटाई होने में चाकू वगैरह लग गए जो संदीप लड़का था फौजी उसके चाकू लग गया वो वहीं मर गया था। 2 लड़के हो रहे हैं जिनके चाकू लग रहे हैं जो संदीप के भाई और चाचा ताऊ के लड़के हैं। पर पिताजी के उसके लग रही है और कार्रवाई जारी है फिलहाल पोस्टमार्टम। अभी तक कितने गिरफ्तार किया आप लोगों ने? अभी कोई गिरफ्तार नहीं किया। हाँ पोस्टमार्टम कराते हैं अभी पोस्टमार्टम कराते नहीं फिर कुछ पुलिस वालों के भी नाम आए कि अवध संबंध था मनीषा के साथ में जो मुलाजिमों के भी जो नाम आए हैं उनका भी मुकदमे में नाम दिया हुआ है। सर मेरा आरोपी कौन पड़े? मेरा आरोपी मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी इस मामले में अपने संदीप और अनूप हैं दोनों भाई हैं जो लड़की के भाई हैं और हैं कई लड़के एक चंद्रभान है लड़की जो पुलिस से जो एक जो आपका कर्मचारी है सारी उनका भी नाम आया है एक जो और हाँ जो नाम दिया ना फिलहाल तो अपने जो लड़का के साले थे 2 का नाम दिया है और अननोन में है सारे। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कुछ पुलिस के गिरफ्तारी के लिए बरसक प्रयास कर रही है 100 की 100 जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर देंगे हर हालत।
ठीक है सर।